हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ब्लाउज कटिंग करना। तो ये देखिए, ये है अस्तर और ये है मेन फैब्रिक। देख सकते हैं इसका मेन फैब्रिक किस तरह से, इस तरह से है। तो इसको हम कैसे सिलेंगे, ये देखिए, ये आएगा बाजू पर और ये आएगा नीचे पीछे पल्ले में कमर के नीचे। तो इसको हम कैसे बनाते हैं वो देखिए। मेन फैब्रिक को साइड करूंगी, अस्तर पर कटिंग करूंगी। तो पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसका लंबाई होगा 14 इंची और इसका सीना होगा 32, सीना होगा 36 इंची, कमर होगा 32 इंची, लंबाई होगा 14 इंची। तो इसको हम कैसे बनाते हैं ये देखिए। इस तरह से हम इसको मेन अस्तर को खोल लेंगे, ये कोर के तरफ से हम इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे। आगे पीछे का पल्ला हम एक साथ ही कटिंग करेंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। इसको हम यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। देखिए ये कोर है और ये कटिंग वाला पार्ट है और इधर फोल्ड वाला है। इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे, ये देखिए, यहाँ से एक चौथाई, ये 36 इंची सीना का है तो एक चौथाई 9 इंची, इसमें हम 2 इंची लेंगे सिलाई मार्जिन। इस तरह से यहाँ से ऐसे उंगली रखेंगे और इसको हम ऐसे करके फोर फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। देख सकते हैं इस तरह से इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए, इसको फोल्ड करने के बाद ये इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। इसी में हम आगे पीछे का पल्ला एक साथ ही कटिंग कर देंगे, अलग अलग कटिंग करने की कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ये देख सकते हैं आगे का पल्ला 1 इंची बड़ा रखेंगे और पीछे के पल्ला 1 इंची छोटा रखेंगे। ये देख सकते हैं ऐसे करके इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। ये देख सकते हैं, देखिए बड़ा छोटा हो गया है। इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे और ये देखिए एक चौथाई हम यहाँ से 9 इंची पहले निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा फिटिंग का 9 इंची और 9 इंची इधर भी, और ये हो गया हमारा सिलाई मार्जिन। ये हो गया सिलाई मार्जिन, ढीला टाइट होगा बाद में तो इसको करने के लिए या अंदर फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ से हम इसका तीरा लेंगे ऐसे करके 5.5 इंच। ये देखिए ये खुला साइड है, ये बंद साइड है। अब यहाँ से हम काठी का गहराई देंगे, यहाँ से नॉर्मल 5 इंची पर पड़ता है 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच। इस निशान को इस निशान से ऐसे मिला देंगे। आगे पीछे का पल्ला एक साथ कटिंग हो रहा है तो हम पहले 1 इंची पर बनाएंगे। ये देखिए जितना हम लिए हैं उसको हाफ कर देंगे, यहाँ से भी जितना लिए हैं उसको हाफ कर देंगे। इसी में हमको गोलाई बनाना है, ऐसे करके देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे हिलाना है और फिटिंग के बाहर से थोड़ा सा डाउन करना है, फिटिंग के अंदर से नहीं करना है। जब हम आगे का पल्ला बनाएंगे तो यहीं से हमको यहाँ से जितना लिए हैं उसको आधा कर देंगे या यहाँ से आधा इंची नाप के भी कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से ऐसे करके बनाएंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। इसमें आगे के पल्ले में हम थोड़ा सा ऐसे डाउन करके बनाएंगे। अब यहाँ से हम गला बनाएंगे 2 इंची का, तो 2 इंची हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से बनाएंगे। पीछे का पल्ला हम बनाएंगे यहाँ से ऐसे करके 8.5 इंची पर। आगे का गला बनाएंगे ऐसे करके 6 इंची पर। तो ये देखिए, ये पीछे का पल्ला है और नीचे वाला है सो आगे का पल्ला है, तो ऐसे करके हम बनाएंगे। अब यहाँ से हम ऊपर 2 इंची लिए हैं तो नीचे हम यहाँ से ऐसे करके 2.25 इंची पर बनाएंगे। इसको ऐसे करके बना देंगे। अब इसमें हम गोलाई बनाएंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से आगे पीछे गोल गला ही बनेगा। तो ये देखिए पूरा निशान लग चुका है। ये देखिए यहाँ से हम टेकिंग के लिए बनाएंगे 9 इंची है, 9 को यहाँ से ऐसे करके हाफ कर देंगे।
या चाहे तो 4.5 इंच इधर से लेके बना सकते हैं। अब यहाँ से इस टेकिंग का उठाव हम देंगे यहाँ से ऐसे करके 4 इंच पर। ये देख सकते हैं इसका फुल लंबाई है यहाँ से 15.5 इंची, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसको हम कटिंग कर देंगे। अब हम पीछे का गला कटिंग करेंगे। आगे का गला नहीं कटिंग करना है, अभी सिर्फ पीछे का ही गला कटिंग करना है। ये देखिए इसको हम यहाँ से ऐसे करके खोल देंगे। खोलने के बाद अब हम आगे का गला कटिंग करेंगे 6 इंची पर। ये देखिए इसको करने के बाद हम इसको यहाँ से जैसा है बिल्कुल वैसा ही इसको बिछा देंगे। ये देख सकते हैं इसको हम अब यहाँ से तीरा कटिंग करके निकाल देंगे। ये हो गया पीछे का पल्ला। हम लेंगे 1/2 इंची हम यहाँ से कटिंग करके निकालेंगे। और एक कट हम यहाँ पर भी लगाएंगे यहाँ पर ऐसे करके, ताकि दोनों तरफ टेकिंग का निशान बराबर लगेगा, टेकिंग लगेगा। देखिए पीछे का पल्ला साइड करेंगे, आगे के पल्ला को हम ऐसे करके जैसा है बिल्कुल वैसा ही लेंगे। आगे के पल्ला में हमने कटिंग नहीं किया है काखी का, तो इसको हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे करके ले जाएंगे। देख सकते हैं जैसा मैं बना रही हूँ वैसा ही सेम आप भी बनाइए, आपका ब्लाउज बिल्कुल फिटिंग के साथ इसको बनके रेडी होगा। ये देख सकते हैं इतना कपड़ा हमको कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ से हम इसका 1/4 9 इंची यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हो गया फिटिंग का। अब हम यहाँ से ऐसे करके बनाएंगे, यहाँ से ऐसे करके आप 4.5 इंची ले सकते हैं, 4.5 इंची यहाँ से जितना भी सीना होगा उसको हाफ करके। अब हम यहाँ से लगाएंगे ऐसे करके 10 इंची पर निशान। ये देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 10 इंची। इसको हम यहाँ से ऐसे करके ले जाएंगे। ये देख सकते हैं इसको ऐसे। अब इस नीचे वाला टेकिंग को हम 1.5 इंची पर इसका टेकिंग का पफ बनाएंगे। तो 1.5 इंची को बीचों बीच रखना है और इसको ऐसे करके बनाना है। जब भी आप टेकिंग का बनाएं तो आप यहाँ से ज़्यादा लाइए और यहाँ से नोकी निकालते हुए लाइए। अब यहाँ से हम इधर का टेकिंग बनाएंगे, तो यहाँ से ऐसे करके तीन उंगली आप ऐसे रखिए और यहाँ से बनाइए। अब यहाँ से हमको बनाना होगा, तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके लेंगे और यहाँ से ऐसे करके, ये देख सकते हैं यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से इसको ऐसे बनाना होगा तो ऐसे करके, इस तरह से आप टेकिंग बना सकते हैं। देखिए कितना ईजी और आसान तरीका से ये टेकिंग बन गया। अब इसको हम ऐसे करके बनाएंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे करके लाएंगे। यहाँ से ज़्यादा लाना है और यहाँ से नोकी निकालते हुए बनाना है। यहाँ से इसको भी ऐसे करके ही बनाना है। देख सकते हैं जैसा हमने निशान लगाया है सेम वैसे ही आपको सिलाई के वक्त भी लाना होगा, तभी आपका टेकिंग बैठेगा बढ़िया से। अगर आपको स्टिचिंग का देखना होगा तो मेरी दूसरी वीडियो में देखिएगा इसका स्टिचिंग का, क्योंकि कटिंग स्टिचिंग एक साथ ही बनेगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसके लिए मैं एक में कटिंग बनाऊंगी, एक में स्टिचिंग बनाऊंगी। तो ये देखिए इसको हम इतना पर कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये देखिए इसको कटिंग करने के बाद इसको हम यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे, ताकि इधर भी जैसा टेकिंग का है वैसा बिल्कुल छप जाएगा।
इस तरह से आप सिल के देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल फिटिंग आपका ब्लाउज बनेगा। ये देखिए, यहाँ से हम खोल देंगे, यहाँ से हम बनाएंगे आई हूँ। तो इसके लिए देखिए आगे का पल्ला कटिंग हो चुका है, अब हम बाजू कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड फोल्ड कपड़ा कर लिए। यहाँ से हम इसको बाजू का लंबाई छोटा ही है, यहाँ से देखेंगे 6 इंची है, बिल्कुल ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। अब हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो हम इसका सीना से 1 इंची कम, सीना का लिए हैं हम 9 इंची, तो इसको हम बाजू के लिए लेंगे 8 इंची। ये देखिए, आठ इंची फिटिंग का होगा, 1 इंची सिलाई मार्जिन, 9 इंची का हम कपड़ा लिए हैं, 8 इंची पर हम इसको चौड़ाई का फिटिंग देंगे। देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ से हमारा हो जाएगा फिटिंग का। आपको हम कम से कम कपड़ा में भी आपको ब्लाउज कटिंग करना बताएंगे, बाजू करना भी। आपने नहीं देखा है तो कम कपड़ा में ही हम अपने वीडियो में डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहां से हम इसको देखिए लंबाई लेंगे बाजू का, यहां से 6 इंची, 6 इंची है तो इसमें 1 इंची फोल्ड हो जाएगा, तो ये 5 इंची पर तैयार होगा, आधा इंची इधर आधा इंची इधर, बाकी हम अस्तर पर रख के डबल कर देंगे। अब यहाँ से भी 6 इंची है, इसमें हम 3 इंची पर यहाँ से ऐसे करके बनाएंगे इसका सेप। यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंची, यहाँ से इसको ऐसे लेना है और इसको ऐसे करके बनाना है। देख सकते हैं इसको, इस तरह से आप बनाइएगा, आपका ब्लाउज का गोलाई भी बिल्कुल फिटिंग के साथ आएगा। ये देखिए यहाँ से आ रहा है 8 इंची, 8 का डबल करेंगे तो 16 इंची आ जाएगा, तो यहाँ पर आ रहा है, अगर 16.5 आएगा तो भी चलेगा, 17 आएगा तो भी चलेगा। अब इसको हम बाजू का मुहरी देखेंगे, तो यहाँ से हम 6 इंची पर लेंगे तो 12 इंची का होगा गोलाई, इसको यहाँ से बनाएंगे और इसमें आप सिलाई मार्जिन 1 इंची 1.5 इंची ले सकते हैं। तो इस तरह से हम बाजू का गोलाई बनाएंगे, तो ये देख सकते हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं इस तरह से होगा, और इसको हम ये देखिए यहाँ से हो गया बीच का सेंटर, यहाँ से हम 1/2 इंची कटिंग करेंगे, ये कटिंग करेंगे, फिटिंग तक ही कटिंग करना है, इसके बाहर नहीं करना है, और इसको हम यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर देंगे। इस तरह से आप बनाइएगा, आपका ब्लाउज फिटिंग के साथ बनेगा। ये देख सकते हैं इतना झोल वगैरह, कितना आदमी को शिकायत होता है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल फिटिंग होगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक कट लगा दीजिएगा, ताकि आप जब भी ब्लाउज सिले तो ये कटिंग वाला पार्ट आगे पल्ले में ही आना चाहिए, जो नहीं कटा हुआ है वो पीछे पल्ले में, जो कटिंग है वो आगे पल्ले में। तो इस तरह से भी कटिंग कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए मिले। और आपको क्या सीखना है, क्या इसमें अच्छा लगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।